दूसरा प्रश्न, भगवान तथागत बुद्ध के अनुसार जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है। भगवान आपके अनुसार जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है? और उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योर्मा अमृतम गमे का क्या आशय है? यह किस मृत्यु से किस अमृत की ओर जाना है, कृपया समझाएं। चैतन्य कीर्ति, बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुख है। मैं उनसे राजी भी राजी नहीं भी, एक अर्थ में राजी एक अर्थ में राजी नहीं। अहंकार का जन्म दुख है, अहंकार का मरण दुख है, अहंकार का जीवन दुख है, इस अर्थ में मैं राजी। लेकिन आत्मा का जीवन आनंद है, आत्मा का जन्म आनंद है, आत्मा की मृत्यु आनंद है। आत्मा का जन्म आनंद है क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं, आत्मा जन्म के पहले है। आत्मा का जीवन आनंद है क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है, भोक्ता नहीं। और आत्मा की मृत्यु भी आनंद है क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु होती ही नहीं, आत्मा अमृत है। बुद्ध ने अहंकार के आधार पर कहा है कि जीवन दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है। तुम्हारा जीवन दुख है, मेरा जीवन दुख नहीं। तुम अगर अहंकार के केंद्र पर जी रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ नरक पैदा होगा। अहंकार झूठ है, असत्य, मिथ्या है, उससे बड़ा कोई असत्य नहीं। और असत्य के आधार पर जो जीवन का भवन खड़ा करेगा वो कागज की नाव में यात्रा करने की कोशिश कर रहा है कि पत्ते के महल बना रहा है, तांस के पत्तों के घर। जरा सा झोंक हवा आया कि गए, इसलिए पछतावा होगा, रोना होगा, पीड़ा होगी। जो भी बनाओगे मिट जाएगा, जो भी जुड़ाओगे छिन जाएगा, सब जीवन पानी के बबूलों जैसा होगा। लेकिन कारण जीवन नहीं, कारण तुम्हारा अहंकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं भाव छोड़ दो, मैं हूं ही नहीं, शून्य हूं, ऐसा जान लो तो निर्वाण। जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं उसे ही मैं आत्मा कह रहा हूं, उसे ही परम जीवन कह रहा हूं। मैं छूट जाए तो रस ही रस है, रसो वैसा। फिर परमात्मा की रसधार उतरनी शुरू होती। अहंकार चट्टान की तरह रोक रहा है उसके झरने को फूटने से। तो चैतन्य कीर्ति, ख्याल रखना बुद्ध से इस अर्थ में तो मैं राजी हूं। अहंकार का जन्म दुख, और अहंकार का ही जन्म होता है क्योंकि झूठ का ही जन्म होता है। सत्य तो सदा है, उसका कोई जन्म नहीं होता। और झूठ ही मरता है, सत्य कैसे मर सकता है? सत्य तो शाश्वत है। और सत्य का जीवन कैसे दुख हो सकता है? सत्य का जीवन तो आनंद ही होगा, सत्य की आभा आनंद की होगी। सत्य तो आनंद को ही विकिरणित करता है, सत्य में तो आनंद के फूल पर फूल खिलते चले जाते। सत्य तो मदिरा है मस्ती की, अहंकार तो कांटा है छाती में गड़ा हुआ, घाव करता है, मवाद पैदा करता है, नासूर बनाता है, कीड़े पड़ जाते। और तुमने पूछा कि उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योर्मा अमृतम गमे का क्या आशय है? उपनिषद की यह प्रार्थना संसार की श्रेष्ठतम प्रार्थना है। इतनी छोटी, इतनी गहरी, इतनी विराट कोई और प्रार्थना नहीं। इस प्रार्थना में सब आ गया है। पूरी प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्गमे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। याद दिला दूं कि अंधकार अर्थात अहंकार, ये बाहर के अंधकार की बात नहीं, क्योंकि बाहर के अंधकार के लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करनी, तो वो तो बिजली दफ्तर में गए तो भी काम हल हो जाए, घासलेट का तेल काफी, इससे प्रभु के लिए क्या प्रार्थना करनी। बाहर का अंधकार तो बाहर की रोशनी से मिट जाता है, लेकिन भीतर एक अंधकार है, वह बाहर की रोशनी से नहीं मिटता।
सच तो यह है कि बाहर जितनी रोशनी होती है उतना ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है। रोशनी के संदर्भ में और भी उभर के प्रकट होता है। जैसे रात में तारे दिखाई पड़ने लगते अंधेरे के पृष्ठभूमि में, दिन में खो जाते, ऐसे जितना ही बाहर प्रकाश होता है, जितनी भौतिकता बढ़ती उतने ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है। जितनी बाहर समृद्धि बढ़ती है उतनी ही भीतर की दरिद्रता पता पड़ती है। जितना बाहर सुख वैभव के सामान बढ़ते हैं उतने ही भीतर का दुख सालता है। इसलिए मैं एक अनूठी बात कहता हूं जो तुमसे कभी नहीं कही गई है। मैं चाहता हूं पृथ्वी समृद्ध हो, खूब समृद्ध हो, धन ही धन का अंबार लगे, कोई गरीब ना हो। क्यों? क्योंकि जितना धन का अंबार लगेगा बाहर उतना ही तुम्हें भीतर की निर्धनता का बोध होगा। जितना तुम्हारे पास वैभव के साधन होंगे उतनी ही तुम्हें पीड़ा मालूम होगी कि भीतर तो सब खाली खाली, रिक्त रिक्त। आज पश्चिम में जहां बाहर का धन, बाहर का वैभव अपनी अंतिम पराकाष्ठा को छू रहा है, वहां एक ही बात की चर्चा है कि आदमी के भीतर इतनी रिक्तता क्यों है, इतना खालीपन क्यों है। भारत में इसकी कोई बात ही नहीं करता कि आदमी के भीतर रिक्तता क्यों। भीतर की खाक बात करें, अभी बाहर की रिक्तता तो भरती नहीं, अभी पेट की रिक्तता तो भरती नहीं, आत्मा की रिक्तता की बात भी तो करें तो किस मुंह से करें। अभी पेट खाली, रोटी चाहिए। अभी जीसस का वचन कि आदमी केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता, जचेगा नहीं, सुन भी लोगे तो भी जचेगा नहीं। अभी तो तुम कहोगे पहले रोटी तो मिले, फिर सोचेंगे कि रोटी के सहारे जी सकता या नहीं, ये भी रोटी मिल जाए उसके बाद ही सोचा जा सकता है। मैं जीसस के वचन में एक वचन और जोड़ देना चाहता हूं, अधूरा है वह वचन। असल में अतीत के सारे वचन एक अर्थों में अधूरे। जीसस कहते हैं मनुष्य रोटी के सहारे ही नहीं जी सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनुष्य रोटी के बिना भी नहीं जी सकता। रोटी चाहिए मगर रोटी पर्याप्त नहीं, जरूरी है, आवश्यक है, काफी नहीं। रोटी मिल जाए, पेट भरा हो तो एक नई भूख का अनुभव होता, आत्मा की भूख। बाहर प्रकाश हो तो एक नए अंधकार की प्रतीति होती, भीतर का अंधकार। उस अंधकार का नाम अहंकार है। उस अहंकार के कारण ही दिखाई नहीं पड़ता कि मैं कौन। ये मैं की गलत धारणा ही हमें दिखाई नहीं देने देती उसको जो हम वस्तुतः हैं। इसलिए उपनिषद ऋषि की प्रार्थना ठीक है कि हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अस्तो मा सदगमे, हे प्रभु मुझे असत से सत्य की ओर ले चल। इसमें एक तर्क सरणी, अंधकार से प्रकाश का अर्थ होता है अहंकार से आत्मा की ओर। आत्मा प्रकाश है, अहंकार अंधकार। फिर दूसरा कदम असत से सत्य की ओर ले चल। अहंकार असत है नहीं, भासता है। कितना हम उछालते हैं अहंकार को जो है ही नहीं, जो नहीं है उसके पीछे मर जाते, कट जाते। जरा किसी का धक्का तुम्हें लग जाए तो तुम फौरन कहते हो जानते हो मैं कौन, खुद भी पता नहीं कि तुम कौन। प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर के जीवन में यह घटना है कि वो सुबह सुबह जल्दी बगीचे में घूमने चला गया। एक दिन उसने सोचा था कि सुबह होने के करीब ही है, लेकिन अभी आधी रात ही थी। वो बगीचे में घूमने लगा, कोई न था, सन्नाटा था। जोर जोर से अपने से पूछने लगा मैं कौन, अभी अभी उपनिषद पढ़ रहा था। शोपेनहावर उपनिषदों से इतना प्रभावित हुआ था कि उनको सिर पर लेकर नाचा था। उपनिषदों ने एक जिज्ञासा उसके मन में जगाई थी कि मैं कौन, वो गूंज रही थी उसके भीतर। उसी के कारण वो सो भी नहीं सका, क्योंकि बड़ी बेचैनी पैदा हो गई कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। नाम तो मैं नहीं हूं निश्चित ही,
रूप भी मैं नहीं हूं, क्योंकि बचपन में एक रूप था, जवानी में दूसरा, बुढ़ापे में तीसरा। देह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा हाथ कट जाए तो भी मैं नहीं कटता हूं, मेरा पैर कट जाए तो मैं नहीं कटता हूं, मैं जरा भी कम नहीं होता। तो देह मैं नहीं हूं और मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मन तो प्रतिपल भागा जा रहा, बदला जा रहा, अभी क्रोध, अभी प्रेम, अभी घृणा, अभी वैमनस्य, अभी करुणा, अभी क्रूरता, कुछ पता ही नहीं, मन तो ऐसा भाग रहा है। इस मन के साथ मैं कैसे हो सकता हूं? जरूर मैं कुछ और, देह मन दोनों के पार। तो पूछ रहा था एकांत पाके बगीचे में, कोई नहीं था, तो धीरे धीरे पूछते पूछते जोर जोर से पूछने लगा कि मैं कौन। माली जाग गया, लालटेन लेके माली आया कि इतनी रात अंधेरे में कौन घुसाया, और जब उसने सुना कि पूछ रहा है मैं कौन हूं, तो समझा कि कोई पागल, पागल ही पूछते हैं कि मैं कौन हूं, और कौन पूछेगा, यहां समझदारों को तो पता ही, अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कहोगे इसमें क्या पूछना है, मेरा नाम, मेरा पता, ये रहा मेरा कार्ड। अगर बहुत तुम्हें संदेह हो तो आइडेंटिटी कार्ड बता दोगे कि अपना पासपोर्ट बता दोगे, ये लो, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरे गांव का नाम है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटो रही, और क्या चाहिए। समझदार तो बस इतने पराजी हो गए, खाक समझदारी। माली को लालटेन लिए डरा डरा, माली लालटेन और लठ लिए चला आ रहा, डरा डरा कि पागल आदमी मालूम होता, आधी रात बगीचे में घुस आया एक तो, और इतने जोर जोर से पूछ रहा है कि मैं कौन। माली को आता देख के सापनहार चुप हो गया, संकोच लगा उसे कि इसके सामने कैसे पूछना जोर जोर से कि मैं कौन, क्या सोचेगा। माली ने पास आके जोर से लठ पटका, लालटेन ऊपर उठाई और कहा कि भाई तुम कौन हो। सापनहार ने कहा हद कर दी, अरे यही मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता होता तो यहां बगीचे में आधी रात इस सर्दी में शोरगुल मचाता, तेरी नींद खराब करता, तुझे पता हो तो बता दे मैं कौन। माली ने कहा पागल तो नहीं हो। सापनहार ने कहा अब तक पागल था, क्योंकि सोचता था कि जानता हूं कि मैं कौन, आज पहली दफा पागल नहीं हूं, तुझे पता है तू कौन। माली ने कहा भैया ये विचार तुम अपने ही पास रखो, मेरे बाल बच्चे, पत्नी, अभी अभी शादी, अभी घर गृहस्थी बची रही कच्ची, ये सवाल तुम अपने ही पास रखो, ऐसे उल्टे सीधे सवाल मैं नहीं पूछता, ये भी कोई सवाल है, मैं कौन हूं। जिसको हमने मान रखा है अब तक मैं हूं, वह असत्य है, झूठ है, मान्यता मात्र है। इसलिए उपनिषद की प्रार्थना कहती है प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मैंने एक मिथ्या को मैं मान रखा है और उस मिथ्या में मेरा असली मैं छिप गया है। और फिर तीसरा वचन है मृत्योर्मा अमृतम गमे, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु अहंकार की ही होती, मृत्यु अहंकार की ही हो सकती, मृत्यु सिर्फ झूठ की ही होती, सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती। इसलिए इस प्रार्थना का मेरा अर्थ चैतन्य कीर्ति एक है, अहंकार से निर अहंकार की ओर ले चलो। उसके ये तीन चरण, तीन अभिव्यक्तियां, तीन द्वार है, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, मगर इशारा एक है। मंदिर के द्वार तीन है, पहुंचोगे एक जगह, बोध होगा कि मैं कौन हूं, और वह बोध ऐसा है जो शब्दों में समाता नहीं, कहा नहीं जा सकता। मस्त तो हो जाओगे, नाच तो उठोगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाएगा, साथ कहना भी ठीक नहीं, क्षमा करना, तुम परमात्मा हो जाओगे, या परमात्मा
तुम हो जाएगा। साथ कहना ठीक नहीं क्योंकि उसमें द्वैत रह जाता। जैसे दो प्रेमी गहन प्रेम के क्षण में एक हो जाते मगर वो एक होना बस रुकता है पल भर को, पलक झपी और गया। प्रार्थना परम प्रेम है, पराकाष्ठा है प्रेम की। प्रेम की तीन सीढ़ियां, एक तो साधारण प्रेम मित्र मित्र में, पत्नी पति में, मां बेटे में, भाई भाई में, एक असाधारण प्रेम शिष्य और गुरु में, और एक साधारण असाधारण दोनों का अतिक्रमण कर जाए तीसरा प्रेम आत्मा और परमात्मा में, बूंद में और सागर में। मत शर्माओ हाथ बढ़ाओ, जो मैं गाऊं वह तुम गाओ, हर मुश्किल आसान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो, पथ के कांटे फूल बना लूं, मछधारों को कूल बना लूं, हर रुदन को गान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो, पतझर को मधुमास बना लूं, धरती को आकाश बना लूं, सीने वज्र समान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो, खोलो मन के द्वारे खोलो, सोच रहे क्या कुछ तो बोलो, सत्य सभी अनुमान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो। ये तो साधारण प्रेमी की, साधारण प्रेम की भाषा है, लेकिन परम प्रेम में भी यही घटता है। अगर परमात्मा का मेल हो जाए तो नाच उठोगे, गीत झरने लगेंगे, जैसे जूही के फूल झरझर झरे ऐसे तुम्हारे भीतर गीत झरने लगेंगे, जैसे कमल झीलों में खिल जाए ऐसी तुम्हारी चेतना के कमल खिल जाएंगे, जैसे अंधेरी रात में दीपावली सज जाए ऐसी तुम्हारे भीतर ज्योति मलिकाएं जल जाएंगी। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, आंख मेरी हो गई इतनी रसीली, बात मेरी हो गई इतनी नसीली, पास जो आता न जाना चाहता है, ले लिया जगमोल एक फकीर ने, देह दर्पण सी दमकने लग गई, सौ दियों की ज्योति मन में जग गई, प्राण पर जो कालिमा बाकी बची थी पोछ ली कब, क्या पता किस चोर ने, मैं नशे में चूर होकर भी सजग हूं, आंसुओं के साथ रहकर भी अलग हूं, चेतना सोती नहीं अब रात में भी, कर दिया आजाद हर जंजीर ने, कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने। प्रेम की पीड़ा एक मदिरा है, पियोगे तो ही जानोगे, और जब भी कोई मंदिर जिंदा होता तो मधुशाला होता, वहां पियक्कड़ इकट्ठे होते, वहां पीने वालों की जमात होती। मणिकांत को बुलाया था चैरिटी कमिश्नर ने कुछ पूछताछ के लिए, पूछा कि कितना आश्रम में पैसा आता, कहां से आता, कहां जाता, तो मणिकांत ने कहा कि भगवान वहां इतनी पिलाते कि कहां हिसाब रखे। उसने कहा तो तुम पीते भी हो तो वहां पीना भी चलता है, कहां क्लब से लिखो जल्दी। इसी तरह की तलाश में बेचारे लगे रहते। मणिकांत ने कहा आप समझे नहीं, ये और ही तरह का पीना है, ये अंगूर की शराब की बात नहीं है, आत्मा की पिलाते, कभी आप भी आओ। बेचारा उदास हो गए, बात ही खराब हो गई, कुछ मतलब की बात हाथ लगनी शुरू हुई थी। अंगूर की शराब तो उन्हीं को लुभा सकती है जिन्होंने आत्मा की शराब नहीं पी है। आत्मा की शराब पी ले जो, फिर सब शराबें फीकी, पानी गंदा पानी, कौन छुए उसे, कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, आंख मेरी हो गई इतनी रसीली, बात मेरी हो गई इतनी नसीली, पास जो आता न जाना चाहता है, ले लिया जगमोल एक फकीर ने।
फकीर हमेशा ही सम्राटों की तरह जिए, फकीर ही सम्राट है, ये सारा जगत उनका है। वही चैरिटी कमिश्नर लक्ष्मी को पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि आश्रम का धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है, अमेरिका के बैंकों में जमा है। लक्ष्मी ने कहा, अमेरिका स्विट्जरलैंड क्या, ऐसा कोई देश नहीं जहां हमारा धन जमा ना हो। उसने कहा, तो कहां कहां जमा है और कितना कितना जमा है। लक्ष्मी ने कहा, सारा धन अपना है। धन अपन दूसरे का किसी का मानते ही नहीं। फिर हो गया बेचारा उदास, बड़ी चिंता में पड़ा है कि कुछ पकड़ आ जाए, मगर ये बातें उसकी पकड़ में नहीं आती। सब धन अपना है, सारा जगत अपना है, सारा अस्तित्व अपना है, चांद तारे अपने, छोटे छोटे आंगन को क्या अपना कहना। इस छोटी सी प्रार्थना में सारे उपनिषदों का सार आ गया। उपनिषदों का ही नहीं, कुरान, बाइबल, धम्मपद, सबका सार आ गया। लेकिन इसका मौलिक सूत्र समझ लेना, अहंकार जाए तो तीनों बातें पूरी हो जाए। अहंकार जाए तो प्रकाश ही प्रकाश, अहंकार जाए तो सत्य ही सत्य, अहंकार जाए तो अमृत ही अमृत। दूसरा प्रश्न, भगवान मैं युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं करता था, और अब जब वृद्ध हो गया हूं तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती, मैं क्या करूं, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है। रामनाथ, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन ये तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे। तुम न तो पहले कभी मरे हो न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। देह मरती है, वह तो आवरण है। मन मरता है, वह सूक्ष्म आवरण है। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक, वह न तो जन्मता है न मरता है। बहुत बार ये जीवन घटा है, कुछ तुम नए नहीं हो। बहुत बार आए और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। न उसे जन्म छूता है न मृत्यु उसे छूती। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे न पहचान लोगे, तब तक ये भय सताएगा। और जब व्यक्ति युवा होता है तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं पकड़ती। क्यों पकड़े? आदमी इतना दूरदृष्टि नहीं, आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी है। बस जरा सा देखता है दो चार कदम आगे, दिए की रोशनी है उसके पास, चार कदम देखता है, मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती कि भरोसा ही नहीं आता कि होगी। और मन बड़ा चालबाज है, मन ये भी कहता है कि और दूसरे लोग मरते, तुम नहीं मरोगे। और मन कहता, देखो एक व्यक्ति परसों मरा था, एक व्यक्ति कल मरा, एक व्यक्ति आज मरा, तुम तो नहीं मरे। लोग रोज मरते हैं, तुम तो नहीं मरते। तुम तो सदा न मालूम कितनों को मरघट पहुंचा के हमेशा घर वापस आ जाते। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो, मन कहता है। इन व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़ो,
फिर जवानी के नशे होते, मूर्छाएं होती, दौड़ होती, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, फुर्सत कहां है, समय कहां है कि कोई बैठ के विचार करे। जो जवानी में विचार कर ले समझना अति बुद्धिमान है, समझना कि महामेधावी, क्योंकि आम तौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती, क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती कि आदमी लगता है जागा जागा, मगर जागा नहीं होता, सपनों में डूबा होता है। महत्वाकांक्षाएं सपने ही हैं, तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने तुम बुने जाते हो। कौन सोचता है मृत्यु की, और फिर जब आएगी तब देख लेंगे, जल्दी क्या है। कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर मृत्यु का ख्याल भी आ जाए तो तुम जल्दी से अपने को छिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा देते हो, अपने को उलझा लेते हो कि ये कैसी निराशा की बात मेरे मन में आ रही, अभी तो मैं जवान हूं। हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते, बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान, चौंकाए जगाए स्मरण दिलाए। बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास देते थे तो भेजते थे मरघट कि 3 महीने मरघट पर रह, जलती हुई चिताओं को देख, राख होते हुए शरीरों को देख, एक ही ध्यान कर कि यह है परिणति जीवन की, यह है निष्पत्ति सब आपाधापी की, सब दौड़ धूप की, सब पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक मरघट पर बैठकर रोज सुबह से सांझ दिन और रात मुर्दों को जलते देखना, तुम कैसे बचा सकोगे, स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती। जब ये याद आ जाती कि ये देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो, क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता, क्यों ना हम शाश्वत को खोजें, क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं। शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है, समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता कि किसी को होश आए, मगर ये दुनिया बड़ी अजीब है, लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहां होश आता। रामनाथ तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया, मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। मैंने सुना एक मारवाड़ी मर रहा था, ध्यान रखना मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ती, सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे।
उसकी आवाज बंद हो गई थी, सब उसे घेर कर खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वो बार बार कह रहा था, बा बा जा जा। एक बेटे ने कहा, लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि बक्सा झाड़ के नीचे मैंने दबा रखा है, कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलवाओ, कौन सा झाड़, क्योंकि घर के आसपास बहुत झाड़ थे। डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा ही मूल्यवान इंजेक्शन है, उसे लगाने पर ये एक दो वाक्य बोल सकेंगे। उनकी मृत्यु निश्चित होने पर भी इंजेक्शन लगवाने को सब राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तब सब उत्सुक होकर सुनने के लिए मरते मारवाड़ी के पास झुके। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम? उसने कहा, रे सब मुझे क्या देख रहे हो, वह बछड़ा झाड़ू चबाया जा रहा। रामनाथ, चलो अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी कि मृत्यु है। इस याद को झुटलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी, इसका उपयोग कर लो। बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज का उपयोग कर ले, इसको भी सीढ़ी बना लो। मृत्यु कीमती चीज है, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो संन्यास ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो परमात्मा का कोई स्मरण ना होता, प्रार्थना ना होती, पूजा ना होती, आराधना होती, ना होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती, यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा, मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई, बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका, कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ न बोलना, क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे, आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन ये संन्यास्त हो जाएगा, मगर झूठ भी कैसे बोलूं, मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक, मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है, मृत्यु अपरिहारी है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया, क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई, तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से भय लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब संन्यास में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो, ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी न होगा मेरा अंत, जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्त सिंच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोरों पर बहतारे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है, बुढ़ापा नहीं छिपा पाता, कैसे छिपाए, पैर डगमगाने लगते, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती, मौत की पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती, इसमें निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, दिए है मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा, श्याम तरण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, जीवन दह गया है, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की कि जागो, मौत द्वार पर खड़ी दस्तक दे रही, और कितने ही भागो कितने ही बचो बच न पाओगे, लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो रामनाथ क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है, मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी, बुद्ध को भी मरना होता, महावीर को भी मरना होता, राम को भी और कृष्ण को भी, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है, मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना, जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो, जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं, वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं, चैतन्य तो वैसा का वैसा है अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती, फूल ही फूल झर जाते हैं अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते। मृत्यु के इस भय का उपयोग कर लो, इसे शत्रु मत मानना, यह मित्र है, मृत्यु भी मित्र है, अगर समझ हो, और ना समझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है व्यक्ति अपना ही मित्र है अपना ही शत्रु, अगर हम जाग कर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु हैं। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिक लोग गंवा कर ही लौटते, रामनाथ कोई जरूरत नहीं कि तुम भी गंवा के लौटो, कमा कर लौट सकते हो, जागो समय रहते जागो।